वेस्ट बैंक में IDF की एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। वेस्ट बैंक में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। ये देखिए एडमिन साहब, हेब्रॉन में IDF पर हैंडमेड बम से हमला किया गया है। उस वीडियो को फिर से प्ले करिएगा राहुल। IDF ने वेस्ट बैंक में अस्पतालों को घेरा। अस्पताल में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन मौजूद है। राजन सर, हालात बहुत चिंताजनक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि इजराइल जो है वो सैंडविच बनने जा रहा है। देखिए, इजराइल तो पहले से ही निशान सैंडविच बना हुआ है। वो जो पड़ोसी देश है उनसे घिरा हुआ है, जो कि बिल्कुल एंटी इजराइल सेंटीमेंट के साथ रहते हैं। और यह भी सच है कि इजराइल पे जो खतरे हैं वो एग्जिस्टेंशियल खतरे हैं। और अभी आपने देखा कि किस ढंग से 200 से ज़्यादा मिसाइल का अटैक हुआ था अभी जो लेबनन साइड से। और अभी इजराइल इसका भी इंतजार कर रहा है कि दूसरे फोर्सेस भी उस पर अटैक करेंगे, और ईरान से भी अटैक की संभावना बताई जा रही है। कब करेगा ये किसी को पता नहीं है। तो इजराइल की स्थिति काफ़ी नाजुक है। इजराइल को जो बचाया हुआ है वो इसलिए कल बचा हुआ है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस अभी भी उसका जो एक पड़ोसी, एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ नीचे की ओर जो इजिप्ट का इलाका है उस पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। और वहाँ का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जो उस रीजन का, वो काफ़ी डिवाइडेड है। सिया सुन्नी और भी दूसरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो इस कारण से इसराइल वहाँ पे बच पा रहा है। नहीं तो इसराइल की जो पॉलिसी है अभी उस वैसे में, अगर अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर ले अपने सपोर्ट को, या कल के समय में अगर अमेरिका कमजोर हो जाता है तो इसराइल की स्थिति काफ़ी मुश्किल, इसराइल की स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाएगी और काफ़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो निश्चित रूप से इसराइल पूरी तरह से सैंडविच है, और उसका कारण काफ़ी हद तक इसराइल की जो अपनी पॉलिसी वह भी है। आप यह बताएं कि पूरे हमास को आपने, हमास यानी कि पूरे गजा को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इतने दिन युद्ध के हो गए हैं, लेकिन आपकी कैसी पॉलिसी है कि आप अपने हॉस्टेज को निकाल के नहीं ला पा रहे हैं। आज एक हॉस्टेज को निकाला, लेकिन इतने हॉस्टेजेस, ये एक तरह से फॉरेन पॉलिसी की फेलियर बताई जाएगी। और कहीं ना कहीं इसमें नेतन्याहू की जो पॉलिसी है वह भी रिस्पॉन्सिबल है। वह अपने रेजिम को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो एक जेन्युइन प्रो हॉस्टेज एक जो पॉलिसी होनी चाहिए उसकी प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण से वो जो निगोशिएशन होने की कोशिश हो रही है अमेरिका के द्वारा, बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि वो निगोशिएशन लाएंगे, लेकिन वो आप जो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफी हद तक ये वाकई में चिंताजनक है। और मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सो राजन सर बता रहे हैं वो ये है कि अमेरिकन सपोर्ट के बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते, और इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए राहुल, जरा वॉल दिखाइए और ये देखिए एक बार पुनः वेस्ट बैंक को जूम इन करके देखिए अब आप, और आपको इसमें आधा कटा हुआ वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आइए जरा इस तरफ। 2002 के बाद वेस्ट बैंक में IDF का सबसे बड़ा ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, वेस्ट बैंक में एक साथ IDF की आर्मी और एयरफोर्स का ऑपरेशन चल रहा है, बड़ी खबर। 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, 15 गिरफ्तार, रिपोर्ट आ रही है। नॉर्थ वेस्ट बैंक के 3 शहरों में जेनिन, तुलकाम और तुबास की घेराबंदी हो गई है, बड़ी खबर। जेनिन, तुलकाम और नेबलस और तुबास के दूसरे क्षेत्रों का संपर्क कट गया। राहुल ये वाली वॉल लीजिएगा, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा, सीधे क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, क्या स्टेटस है अभी वेस्ट बैंक का, अभी क्या हालात है? देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री ने अभी एक बड़ा दिलचस्प ऐलान किया है। उनका कहना यह है कि वेस्ट बैंक में जो IDF का ये मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, उसकी वजह यह है कि दरअसल ईरान का ये प्लान था कि गाजा और लेबनान की तरफ से ही वेस्ट बैंक में भी एक टेररिस्ट फ्रंट को खड़ा किया जाए, जिसके लिए ईरान फंडिंग कर रहा है, जिसके लिए ईरान ने टेररिस्ट लड़ाके भेजे हैं वहाँ पर। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि बगल में जॉर्डन से काफ़ी अत्याधुनिक किस्म के हथियारों की स्मगलिंग की गई है, और इन सब के सबूत और इसकी इंटेलिजेंस के बाद ही IDF ये ऑपरेशन कर रही है। तो उन्हें यह लगता है कि एक तरफ लेबनान में हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, हमास गाजा से अटैक कर ही रहा था, और वेस्ट बैंक में भी इसी तरह का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी हो रही है जो गाजा पर अटैक करेगा। तो आपने जो कहा कि सैंडविच की हालत तो है, लेकिन अब यह है कि वेस्ट बैंक से अब तक जो छिटपुट अटैक हो रहे थे उसकी जगह पर हमास या हिजबुल्ला जैसा
एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाएगा, ये इजराइल के शब्दों में उनका ये आरोप है। इस सब के बीच में मैं आपको बता रहा हूं, ये वेस्ट बैंक के ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि यहां पर इनको यकीन है कि हिजबुल्ला के साथ तनाव बढ़ने वाला है और कहीं यहां से प्रेशर आए। लेकिन हिजबुल्ला के साथ तनाव के जो हालात है अभी आप देखिए, हिजबुल्ला से विध्वंसक जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नॉर्थ इसराइल में बड़ी संख्या में टैंक का मूवमेंट, ये देखिए जरा, गोलान हाइट्स पहुंचा आईडीएफ का दर्जनों मरकावा टैंक, ये देखिए जरा, आईडीएफ की तैनाती में टैंक के साथ आर्टिलरी भी शामिल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दर्जनों मरकावा टैंक जो है वो यहां पर गोलान हाइट्स में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एमएन सब करेगा जरा, इस सबके बीच में ब्रेकिंग और शॉट, वेल डन माय टीम, ये देखिए निकाल लिया इन लोगों ने वो शॉट सीधा। ये बेरूत में इजरायली फाइटर जेट से दहशत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इजरायली फाइटर जेट के सोनिक बूम से दहशत, ये देखिए जरा, लेबनन के कई शहरों में सोनिक बूम यानी साउंड बैरियर तोड़ते दिखाई दिए इजरायल के फाइटर जेट, सोनिक बूम से लोगों में दहशत पैदा कर रहा है इजरायल, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बेरूत में इजरायल का एयर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों पर हमला, राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, इस्लामिक जिहाद के तीन लड़ाकों की मौत हुई है हमले में, मारा गया एक हिजबुल्ला लड़ाका, इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक चल रहा है, सोनिक बूम एक तरफ है, एक तरफ यहां पर यह अटैक किया जा रहा है। एक क्विक रिएक्शन, आप बख्शी सर मेरे साथ है, बख्शी सर, सोनिक बूम साउंड बैरियर तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बिल्डअप टैंक्स का दिखाई दे रहा है, जनरल जीडी बख्शी जो कि वॉर गेम्स डिजाइन करते हैं, उनका असेसमेंट क्या है, हिजबुल्ला वर्सेस इजराइल कुछ बड़ा होने वाला है क्या, इज इट ऑन द कार्ड्स? देखिए सबसे पहले तो जो सोनिक बूम्स हैं वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बड़ा सटीक हिस्सा है कि जब डराना हो किसी पॉपुलेशन को बगैर बमबारी किए तो जहाज जाके सोनिक बूम करते हैं, साउंड बैरियर ब्रेक करते हैं। जहां तक सवाल है अगला मूव इन द इजराइल हिजबुल्ला गेम, मेरे ख्याल से जो ये इजरायली टैंकों का फॉरवर्ड मूव है वो दिखाता है कि शायद इजराइल में ट्राई अ लिमिटेड इनकर्शन ताकि जो बॉर्डर जोन को सैनिटाइज कर दे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 5 से 7 किलोमीटर की रेंज वाले जो हिजबुल्ला इस्तेमाल कर रहा है उनको अपने लोगों के रेंज से बाहर कर दे, वहाँ तक धकेल दे। ज़्यादातर इजराइल की कोशिश थी कि वो एयर पावर से ये हासिल कर ले, लेकिन एयर पावर के जवाब में आपने देखा कि हिजबुल्ला ने धड़ाधड़ जो है रॉकेट, कोई 200 के करीब रॉकेट और ड्रोन्स फायर कर दिए थे पिछले, तो वो आप सोच रहे हैं कि शायद ग्राउंड इनकर्शन जो है लाजमी हो गई है। और याद रहे कि ये जो हमास के ऑपरेशन के पहले भी इजराइल की फौजें इनकर्शन की, एक लोकल अटैक की तैयारी कर रही थी क्योंकि उनको हमास से ज्यादा हिजबुल्ला का खतरा दिख रहा था। You're right. अब उन्होंने जब हमास को काफी हद तक काबू कर दिया है, अब वो शिफ्ट करना चाहेंगे हिजबुल्ला की तरफ, मेरे अंदाज में उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्दर्न इजराइल से 70,000 पॉपुलेशन को हटाना पड़ा है, सारी इंडस्ट्रीज के वर्कर चले गए हैं, बंद हो गए हैं, कब तक चल सकता है ये? पॉइंट टेकन सर।